स्कूलों पर ज्यादा ध्यान देना है, पढ़ने वाले बेटी थी जो एक क्लास में पढ़ रही थी, और जितना जघन्य अपराध हुआ है इस पर तो उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मतलब सीधे हम तो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि उनको एकदम सीधे फांसी के तख्ते में लटका देना चाहिए। अरे मोबाइल सर, पर घटना को 9 दिन हो गए, आप लोग आज पहुंच गए, कांग्रेस के विधायक सांसद भी आज पहुंचे, आप लोगों की बात कर रहे हैं मेरे क्षेत्र में, जैसे आप बोल रहे आप लोग, आप लोग मतलब सरकार के नुमाइंदे चाहे कांग्रेस की बात सुने। देखिए इस तरह की घटना में एक बार में कोई व्यक्ति नहीं पहुँचता है, जैसे जैसे मालूम होता है सरकार को मालूम हो तो सरकार को आना चाहिए। हमको मालूम हुआ, हमारे क्षेत्र में भी एक मेरा कार्यकर्ता डेथ किया है परसों, उसको हम रांची रिम्स ले गए थे, वहाँ भी नहीं बचा पाए। तो जब हम इस तरह से आ रहे थे, यहाँ रास्ते में आज उतरे हैं सुबह, हम सोच के मानव सबके नेता हमको जाना चाहिए और हम आए, और जहाँ तक आगे पीछे का जो लोग आते हैं आते हैं, जो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, उसमें मैं नहीं कर सकता। सारा सत्तारूढ़ दल अभी रायपुर में है, आप यहाँ हैं क्यों? मैं नहीं गया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल दिया कि मैं नहीं जाऊँ। क्या क्या कहे? मैंने मुख्यमंत्री सर, हमने मुख्यमंत्री जी को भी कह दिया सीएम हाउस पे कि मैं नहीं जाऊंगा। कारण क्या? 3-4 दिन से लगातार ये मामला चल रहा है, 3-4 दिन से भी सरकार वहाँ ऐसा पूछेगा तो एक मिनट जरा सुनिएगा। हाँ ये बताइए कि क्यों आपने ऐसा मुख्यमंत्री को कहा? क्योंकि हमारा यहाँ इधर अकाल है, सुखाड़ है, और हमने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने क्षेत्र को जाऊंगा, मेरा एक कार्यकर्ता एक्सपायर किया है वहाँ भी जाऊंगा, और अभी जा करके पूरे प्रखंड स्तर में, पंचायत स्तर में, गांव स्तर में जा करके हम जायजा लेंगे कि यहाँ से कितने लोग पलायन कर गए हैं। जो सूचना मिली है पलायन कर गए हैं बहुत लोग, क्योंकि कोई काम धंधा है नहीं, बिहन जितना था सब मर गया खत्म, तो इस परिस्थिति में लोग पलायन कर गए। मैं इसका पूरा पाकुड़ भी जाऊंगा, साहेब भी जाऊंगा, गोड्डा भी जाऊंगा, और जाते जाते इधर से जो सड़क के किनारे 10-20 गांव को टच करते ही कि कितने लोग अभी तक पलायन कर गए हैं, और सरकार की तरफ से क्या उन लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, क्या उन लोगों को मिल रहा है, और अपना पर्सनल डायरी में लिख करके मैं सरकार को दूंगा। तो सरकार का ये विरोध नहीं समझा जाएगा? सरकार क्या आप नहीं गए, सभी विधायक चले गए? चले गए हमारा मन नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे उधर? आप समय समय पे सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। सरकार के खिलाफ मैं नहीं बोलता, मैं सरकार को आईना दिखाता हूँ। क्या माना जाए, ये भी आईना दिखाने की ही एक प्रक्रिया है? एकदम नहीं, आप सरकारी रिपोर्ट क्या होगा, यहाँ का क्या रिपोर्ट होगा, क्या बारिश का रिपोर्ट दिया है, कितने लोग पलायन कर गए हैं, ये सब रिपोर्ट जाएगा नहीं जाएगा, मेरा कर्तव्य बनता है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। उन लोगों के दुख सुख में अगर हम नहीं जाएंगे और उन लोगों को नहीं पूछेंगे कि क्या आप लोगों को अभी क्या क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये लोग जो बाहर चले गए मजदूरी करने के लिए, तो ये भी तो सरकार की जिम्मेवारी है, उसका रिपोर्ट हम सरकार को करेंगे। अभी सरकार के साथ आप हैं? और लोग क्यों नहीं सरकार के साथ हैं? फिर आईना दिखा रहे हैं क्या आप यहाँ रह गए? बड़ा मुश्किल बात है, जो करेगा जो सही बात है उसको आईना दिखाने की नहीं दिखाएंगे, तो आईना दिखाने भी कोई पाप होगा कि गुना होगा क्या? ये माना जाए ना आप नहीं गए, सरकार को आईना दिखा दिए? बिल्कुल, अगर आप बोलते हैं तो आईना ही दिखाने का क्या हुआ? ठीक है, सरकार के सभी विधायक को अपने क्षेत्र में रहना चाहिए, सुखाड़ का एकदम रहना चाहिए इस स्थिति में, और सरकार को तो अभी एकदम पूरा का पूरा खजाना खोल देना चाहिए। तो हेमंत सोरेन यहाँ मिट्टी कवर कर, सरकार जाने का खतरा है, उनको डर क्यों है, क्यों विधायक उधर शिफ्ट किए उन्होंने? देखिए हमको तो नहीं लगता कि क्यों डर हो गया है, पर डर है। क्यों डर है? आप ही लोग बोलते हैं डर है, वो भी डर रहे हैं। अरे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, अगर कुछ हुआ होता तो इलेक्शन कमीशन ने जो महामहिम को भेजा है तो क्या भेजा है, वो तो खुलासा हो जाना चाहिए था। हमको लगता है जब दिल्ली से आ रहे थे महामहिम, एयरपोर्ट में उतरे, पत्रकार ने उनको पूछा, मीडिया वाले ने पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे को अभी कुछ पता नहीं, और अभी तक कुछ किसी भी तरह का कोई सामने आया नहीं कि बंद लिफाफे में बंद लिफाफा आया या नहीं आया, और आया है तो क्या है, और है तो क्या है उसको उजागर हो जाना चाहिए, या यहाँ से इलेक्शन कमीशन को जो इन्होंने भेजा वो क्या भेजा है। तो ये तो अंधेरे में हम लोग बात कर रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, और अंधेरे में लोग भाग रहे हैं इधर, मतलब हेमंत सोरेन अंधेरे में तीर चला रहे हैं। माना जाए सरकार पिकनिक मनाने गई, अब पिकनिक करने गए हैं कि घूमने गए हैं या रणनीति तय करने गए हैं? मेरा मानना है अगर रणनीति तय करना हो तो झारखंड की राजनीति झारखंड में तय होना चाहिए। झारखंड मुक्ति माने गुरु जी शिबू सरन की पार्टी,
यही सर्वोच्च नेता हमारे, उन्होंने झारखंड में ही रणनीति तय किया था, बाहर में तो नहीं किया था। तो क्यों, मेरा मानना है कि राजनीति अगर तय होता होने के लिए गया है तो लोग रणनीति यहाँ तय होना चाहिए, और ऐसे अगर घूमने के लिए गए हैं तो अलग बात है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।